वो भी छह भाइयों की अपनी छह कजिन्स के साथ, और वो भी लव मैरिजेस। उनके ऊपर तड़का इज्तमाई शादी का, यानी सब शादियां एक साथ एक ही छत तले और एक ही मेहमानों की मौजूदगी में। ये अनहोनी हुई मुझे ये बता रही थी, जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कजन है, उन्हें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या थे भाई? उससे पहले भाई अच्छे थे। मुश्किल हो रहा मुझे थोड़ा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में हजार जनरेशंस ऑफ फर्स्ट कजन मैरिजेस के बाद सर फिरे इंसान ही पैदा हो सकते हैं। ब्रिटेन के अंदर बहुत डिटेल स्टडी हुई है कि पाकिस्तानी मेंटली या फिजिकली हैंडीकैप्ड क्यों हैं इतने ज़्यादा, और वो 80-90% फर्स्ट कज़िन मैरिजेस करके तबाही कर दी। और फर्स्ट कज़िन के अलावा तो किसी से कभी मुलाकात ही नहीं होती किसी लड़की की, तो भाईजान भाईजान के बाद वो हस्बैंड बन जाता है। एंड बच्चे तो वैसे ही फिर होंगे शेख रसीद जैसे, या वो पता नहीं हेयर डाई उनकी। बहनों से शादी वाले वीडियो तो आपने काफी देखे होंगे पाकिस्तान के, और ये पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन सी बात है, और ऑब्वियसली भारत में भी और बांग्लादेश में तो आप समझे कि ये बहुत कॉमन है, ये कोई बहुत इंटरेस्टिंग या बहुत नई टाइप की न्यूज नहीं है। लेकिन अब बहनों की शादी में भी क्रिएटिविटी, मतलब छह के छह भाई छह की छह बहनों से एक साथ शादी करने वाले हैं, तो ये एक बहुत क्रिएटिविटी वाली न्यूज़ है मेरे हिसाब से। और आप देखेंगे एक दुल्हन बोल रही कि मैं बचपन से उनके साथ रही हूँ, उनको पता नहीं था, 20 दिन पहले पता चला है कि ये मेरे, मतलब इनसे मेरी शादी होने वाली है। मतलब ये बिल्कुल अजीब सा एक, समझे आप किस तरीके का माहौल होगा। आप बचपन से आप अपने चाचा या मामा या किसी भी, मतलब जो कज़न है, उनके साथ रह रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, और उसके बाद एकदम से पता चले कि आपकी उन्हीं के साथ शादी हो जाए, तो मुझे नहीं पता इसका कैसा कैसी फीलिंग आएगी। हालांकि इस वजह से आपको पता है बहुत सारी जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, नए नए टाइप की बीमारियां होती हैं पाकिस्तान में, ऑब्वियसली उसका रिजल्ट आप सुनेंगे तारिक फतेह के मुंह से कि वो क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देखते हैं। आपको बता दूं कि पाकिस्तान में, मतलब जो अभी करंट प्लेयर है बाबर आजम, वो भी अपनी बहन, मतलब चाचा की बेटी से शादी करने वाले हैं, बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली है। और शाहिद अफरीदी ने भी अपनी बहन से शादी की थी। और पाकिस्तान के जो बहुत बड़े सिंगर हैं नुसरत फतेह अली खान, वो भी मतलब अपनी कज़न से ही उन्होंने शादी की थी। तो ये मुझे पता था, मैंने सोचा आपको बता दूं। चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन अपने सुझाओ। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी छह शादियां, और वो भी छह भाइयों की अपनी छह कजिन्स के साथ, और वो भी लव मैरिजेस। उनके ऊपर तड़का इज्तमाई शादी का, यानी सब शादियां एक साथ एक ही छत तले और एक ही मेहमानों की मौजूदगी में। ये अनहोनी हुई मुल्तान में, जहां छह सगे भाई छह सगी बहनें ब्याह लाए। मगर ये कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं था, छह के छह भाई इस कदर दिल फेंक निकले कि सब ने लव मैरिज की। लड़कियां भी कोई पराई नहीं, सगे चचा की बेटियां हैं। मामला ये है कि मुल्तान के जहूर बख्श के छह बेटे उनके पास आए, सबने एक साथ शादी का तकाजा किया, सबने अपनी अपनी पसंद बताई। पहले पहल तो जहूर बख्श हैरान हुए, उनका सर चकरा गया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और हो गए बेटों की बात मानने पर मजबूर, बल्कि अपने बेटों की खुशी में खुश, न सिर्फ खुश बल्कि खुशी से निढाल। फौरन अपने भाई मोहम्मद लतीफ से एक साथ छह रिश्ते मांगे तो उनका भी दिमाग चकरा गया। मगर फिर बात पक्की हो गई, बल्कि गलत, छह बातें एक साथ पक्की हो गई, और फिर छह बारातें एक साथ गईं, बल्कि ये भी गलत। असल में एक बारात में छह दूल्हे एक साथ छह दुल्हने बिहाने चले आए। इज्तमाई शादी में ढोल बाजों ने भी रंग जमाया, खूब हल्ला गुल्ला हुआ, बहुत धूमधाम से शादी हुई। और तो और छह दुल्हों के साथ छह शहबाले भी थे। दुल्हन अनम थोड़ी शर्माई, फिर आहिस्ता से बोली, हम छह बहने छह भाइयों से शादी पर बहुत खुश हैं। दुल्हा शफीक साहब ने मुंह से इकरार करके मेला लूट लिया कि उन सब भाइयों ने पसंद की शादी की है, दुआ है हम सब में इसी तरह इत्तफाक कायम रहे। एक और दुल्हा शकील ने कहा कि हमारी ज्वाइंट फैमिली बनने जा रही है, इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात हो सकती है। इस अनोखे इवेंट पर मेहमान खुश तो थे ही, मगर साथ साथ हैरान भी थे। हर शख्स यही कहता दिखाई, हाँ क्या क्या स्टोरी थी?
क्या बता रही थी आप मुझे? ये बता रही थी जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कज़न है, उन्हें 20 दिन पहले पता चला हमारे साथ। अच्छा, और उससे पहले क्या थे भाई? उससे पहले भाई ऐसे मुश्किल हो रहा मुझे थोड़ा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। कज़न मैरिज जिंदा। यस बाबा जी, कज़न मैरिज। अच्छा, क्या क्या स्टोरी है ये बचपन की कजन्स की? दांत वाली स्टोरी है जी, जरा सुनाए। याद कोई नहीं है मुझे, लेकिन है कुछ है। दांत किसने तोड़ा है? दांत किसने तोड़ा है यार? इन्हें आपका दांत तोड़ा था बचपन में? कैसे? टी स्माइल वाली बात होती है तो मेरी बहन कहती थी अपनी जब शादी होगी ना ये जरूर लगवा लेना क्योंकि तुम टी स्माइल नहीं काट सकोगी। तो इन्होंने कैसे तोड़ा था? पता चला ना इनके साथ होनी है तो मैंने इनका यही लगवाया। वो कह रहे हैं कभी टूट जाएगा, एक पहले टूटा था तो जोड़ी ये ना वो आपका तोड़ के वो इकट्ठी जोड़ी मिला लेते हैं। नहीं, हम लोग सारे थे तो खेल रहे थे, हम लोग ना वो जो कीकले नहीं डालते, हम लोग उल्टी डाल हम दोनों ने उद्दी का चलो उल्टी। अच्छा, लेकिन एक चीज और है सर, यहाँ पे मैं ये चीज भी ऐड करना चाहूंगी कि वकार यूनुस जो हमारे क्रिकेटर रहे हैं उन्होंने भी कहा कि जी हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ दी हमारे खिलाड़ी ने, बड़ा कारनामा किया और दूसरे दिन माफी मांगी उन्होंने। डिपेंड करता है किसने कितना बड़ा सोटा मारने की धमकी दी हो या किसने पैकेज पैसे की दिए हो। देखिए, फंडामेंटली पाकिस्तानी की एग्जिस्टेंस है हिंदुओं से नफरत करना। इसकी और को जिसे रेजन देतर कहते हैं ना कि द रीजन टू एग्जिस्ट इज टू हेट हिंदूज एंड इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स। फिर उसके अंदर दोगलापना तो है ही है हम में, तो जब कोई आंटी आ जाए अपर क्लास की तो फिर वो अमन की आशा बन जाता है, अगर वो गरीब हो तो फिर हमें पसंद नहीं है, फिर वो कहते हैं ये सब्जी खाने वाले कौमल काफरीन, दुआओं में मांगते हैं या खुदा कौम मुसलमानों को कौमल काफरीन पे फतह नसीब करे, और बाहर निकलते ही डिनाई कर देते हैं कि हमने ये कहा, ये तो हम कह काफिर तो नहीं, हम तो नहीं कहते काफिर, कभी भी नहीं, वो तो यहूदी होते हैं काफिर या क्रिश्चियन। वी हैव बिकम नॉट श्योर एज टू हु वी आर, तो उसके अंदर जो मुंह में आता है बक देते हैं। एंड आइडेंटिटी क्राइसिस की ये हालत है कि आपने जाके दो हिंदुओं के बीच में सिद्धा कर लिया, नाउ यू आर प्राउड ऑफ द फैक्ट। और कैसी कैसी कमेंट्रीज सुनी है और लोगों ने जवाब दिए हैं कि कुफर को सामने तोड़ा है, कुफर तोड़ा। यानी हु आर यू, यानी तुम्हारे भिखारियों का मुल्क, हाथ पांव जोड़ के। फिर सुना सऊदी अरेबिया ने फिर को खैरात दे दी है जी। हम तो देयर अ पीपल हु कैन नॉट मैनेज देयर ओन कंट्री, अपने जो गरीब गुरबा हैं उनका ध्यान नहीं रख सकते हो, दस हजारों के हिसाब से लोगों को नौकरियों से निकाल देते हो, पहाड़ों में लोग रह रहे हैं, गर्म कपड़े नहीं है लोगों के पास सर्दियों में, गांव के अंदर वो फने खाने दिखाते हैं कि ओ जी हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ ली, क्रिकेट खेल लिया। अरे भाई, तो अब जो न्यूजीलैंड के साथ मैच है तो अल्लाह मियां ने ब्रेक ली भी थी बीच में क्या? और अगर जैसे स्कॉटलैंड को हराया उसने अफगानिस्तान ने, तो क्या अल्लाह मियां किस तरफ थे? उन्होंने कहा लो भैया सिटीजनशिप बदल के मैं अफगानिस्तान का हो जाता हूँ, स्कॉटलैंड वाले काफिर हो गए। बट जस्ट इमेजिन दैट दीज पीपल हु आर प्लेइंग अ गेम that they had nothing to do to invent it, na inne bat banaya na ball banaya na rules banaye na likhna aaya na wisdom se taluq kuch nahi, angrez inko sikha gaya aur islam ki jeet। are yemen mein to kisi ko pata bhi nahi hai cricket word kaise likhte hain, aap samajhte hain algeria mein log khushi mana rahe hain allah allah pakistan jeet gaya hindu haar gaya,
Just imagine the stupidity. These guys know that the biggest Islamic country, Indonesia, and nobody knows what is cricket. So, cricket के अंदर इंडिया को हरा के इस्लाम की जीत कैसे हो गई? और जो सर 12 बार